जय हिंद दोस्तों, वेलकम फॉर दिस वीडियो। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ जीके से अपडेट और रियल फैक्ट लेके आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी वीडियो पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि भारत के पास दुनिया की पहली एक ऐसी हॉस्पिटल ट्रेन है जिसमें कि मरीजों की जो है कहीं पर भी मतलब उसको कोई आपत्ति नहीं या कोई दिक्कत आ रही है, वो बीमार पड़ रहा है तो उसमें उसका चलते चलते ही इलाज हो सकता है। इस ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। और दोस्तों अब आपको बता दें कि आप एक मशहूर कंपनी एडिडास का नाम सुने ही होंगे। इसके लगभग शूज़ और टी शर्ट और भी कई भी चीज़ें जो है लॉन्च होती रहती है। आपको बता दें, क्या आप जानते हैं कि एडिडास की कंपनी एक ऐसी कंपनी भी है जो कि कुछ तालाबों और नदियों के कचड़े को मैन्युफैक्चरिंग और उसको जो है मतलब क्लीन करके शूज़ बनाती है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, कुछ ऐसे भी वह शूज़ बनाते हैं जो कि उनमें कचड़ों के माध्यम से ही बन पाते हैं। और आपको बता दें, जो आप स्क्रीन पर महिला देख पा रहे हैं, यह सबसे पहले तो इसने क्वीन का ताज हासिल किया, उसके बाद यह जो है आर्मी में ऑफिसर बनी जिनका नाम है गरिमा यादव। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया का एक ऐसा मजबूत पत्ता जिस पर कोई भी व्यक्ति आराम से बैठ सो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जिसका नाम है विक्टोरिया वाटर लिली। इस पर आप आराम से सो सकते हैं क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा भार सह सकता है। और आपको अब बताने वाले हैं कि दुनिया की सबसे छोटी महिला कहाँ है और इसका नाम क्या है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्योति आमगे जो कि रहने वाली हैं यह नागपुर की। और आपको बता दें, इसी के साथ मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि दर्शन शास्त्र के पहले साल के छात्र में अब जो कि है इनको रामायण का पाठ कराया जाएगा। या इनमें एक ऐसा भी पाठ होगा जिसमें रामायण को इनको पढ़ना होगा और उसी के अनुसार पेपर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रामचरितमानस का एक व्यवहारिक ज्ञान के नाम से पेपर होगा और जिनको छात्रों को उसी पेपर को देना होगा। और इसमें श्री राम के आदर्शों और उनके गुणों के विचार के कुछ प्रश्न होंगे जो कि विद्यार्थी पढ़कर उनको जो है उनका जवाब देंगे। और आपको बता दें, यह नियम मध्य प्रदेश के कक्षा एक से लेकर और सभी स्कूल और कॉलेजों में मतलब स्नातक के छात्रों में भी यह लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी है? प्लीज़ नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको इससे रिलेटेड नई वीडियो मिलती है।